राज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां पर शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू हो चुका है। बाबूलाल गौर जी का जो पृष्ठभूमि है वो हमारे जो यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के जो संस्थापक दंतोपंत ठेंगड़ी जी, उनके साथ में यदि कोई साथ में काम किए हैं तो बाबूलाल गौर जी भी उसमें से एक रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से अपने संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वहां पर मंत्री के रूप में, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में और उसके साथ में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। बाबूलाल गौर जी को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो गोवा मुक्ति आंदोलन है उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और स्वतंत्रता सेनानी का भी उनको सम्मान किया गया। इसके साथ ही साथ में बाबूलाल गौर के बारे में कहा जाता है कि यदि मध्य प्रदेश में कोई बुलडोजर मंत्री के रूप में पहचान बनाई तो बाबूलाल गौर जी थे। उस समय बहुत से लोग संशय में पड़े थे कि जो सौंदर्यीकरण करना है, सड़कों का चौड़ीकरण करना है और उसके लिए जो तोड़ने की बात है तो आने वाली स्थिति क्या होगी। बाबूलाल गौर जी ने कहा कि यदि आप अच्छे काम करेंगे, नियत आपकी अच्छी है तो लोग आपके साथ चलेंगे और उसके बाद में वो 59,000 से लेकर के 64,000 तक के लीड के साथ में बाबूलाल गौर जी जीते हैं। हम उसे राजनीति में अपराजेय योद्धा हम कह सकते हैं, आजाद शत्रु हम बाबूलाल गौर जी को कह सकते हैं। ऐसे ही बाबूलाल गौर जी आज हमारे बीच में नहीं है, इस सत्र में आपके माध्यम से इस विधानसभा में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अरुण जेटली जी के बारे में हम सबको जानते हैं, एक प्रखर वक्ता के रूप में न केवल लोकसभा में, न केवल राज्यसभा में, बल्कि ऐसे कई अवसर आए हैं कि उनको जब निराकरण करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जो दायित्व तो दिया गया है अरुण जेटली ने जाकर के उसका निर्वहन किया है, उसको प्रतिपादित किया है। अरुण जेटली जी लाख ये हैं, उनकी वकालत की सब लोहा मानते हैं कि जिस प्रकार से उनके वकालत के बारे में न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश के अनेक ऐसे उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जिनमें अरुण जेटली जी को जाने का अवसर मिला है और उनको हम यहां सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। अरुण जेटली जी सूचना प्रसारण मंत्री, उसके साथ ही साथ में कानून मंत्री और उनके साथ में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, विभिन्न दायित्वों का संगठन में और सरकार में उन्होंने जो दायित्व का निर्वहन किया है। आज जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि उनसे जो जुड़ी हुई बातें हैं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और 1 नवंबर की जब शपथ की बात आई उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी और अरुण जेटली जी साथ में आए थे। रात को शपथ हुआ, जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और शपथ लेने के बाद में दूसरे दिन सुबह हम लोग यहां से साथ में अरुण जेटली जी के साथ में, मैं उस समय विधायक था, मैं बिलासपुर हम लोग गए और नॉर्मल स्कूल वहां जो बिलासपुर में है वो हाई कोर्ट के रूप में पहले बार उसको वहां पर मान्यता मिली। अरुण जेटली जी वहां पर उपस्थित थे और हमारे हाई कोर्ट के जज के रूप में वहां पर, जो हमारे प्रथम हाई कोर्ट के जज वहां पर कार्यभार संभाले। तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में दिल्ली में पार्लियामेंट में उनकी जो भूमिका, और यदि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कोई प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं जिनके सामने शपथ हुआ और उस हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो ऐसे अरुण जी जेटली जी रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के प्रति उनका लगाव। उसके बाद तो अनेक बार छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ और जब हमारे राज्योत्सव के कार्यक्रम हुए उस राज्योत्सव के काम में अरुण जेटली जी का आगमन हुआ था यहां पर। छोटे राज्य की जो कल्पना है कि छोटे राज्य बनाने के बाद में लोगों के मत में विभिन्नता रही है, मतैक्य रहे हैं, जेटली जी ने प्रतिपादित किया कि छोटे राज्य की कल्पना को जो स्वीकार किया गया तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को उसको लाभ मिला है जो आज प्रदेश छत्तीसगढ़ का दिखाई दे रहा है। हम अरुण जेटली जी के बारे में उनके जो जीवन का जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, एक बहुआयामी
व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और उसके साथ ही साथ में उनके कार्यों को हमने नजदीक से देखा है, संगठन में भी, प्रतिपक्ष में भी, और उसके साथ ही साथ में सरकार में उनकी भूमिका को हम सब लोगों ने देखा है। जब राजधानी का निर्माण हो रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, उस समय यह बात आई कि रायपुर में राजधानी और रायपुर में न्यायधानी बननी चाहिए। लोगों में मत विभिन्नता हुई छत्तीसगढ़ के कि अलग अलग जगह में उसका होना चाहिए। उस समय वकीलों ने और हम लोगों ने सबने मिलकर के ये मार्ग प्रशस्त हुआ कि इसको विस्तार से विचार करें और किसी के साथ अन्याय ना हो, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ करके रखे थे जो संभव नहीं हो पाया। नहीं तो हम लोग चाहते थे कि अन्य जो जिले हैं उनको भी प्रमुखता से स्थान मिले, किंतु आज मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना और इसके विकास, हाई कोर्ट, इसमें सब में अरुण जेटली जी की भूमिका रही है। आज इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, मैं उनको स्मरण करता हूं। मालूराम जी सिंघानिया के बारे में हम सबको मालूम है कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना का संचार और जिस प्रकार से उनके कार्य पद्धति रही है। बाद में वो विधायक बने और विधायक बनने के बाद में अपने कर्तव्यों का जो उन्होंने निर्वहन किया पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, और यहां से लेकर के अंतर्राज्यीय व्यक्तित्व थे वो, जो अनेक प्रदेशों में जाकर के उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो छाप छोड़ी है, ऐसे मालूराम सिंघानिया जी को भी, जो अटल जी के बहुत ही करीबी माने जाते थे और अटल जी के सहयोगी के रूप में उनकी एक भूमिका रही है, आज इस अवसर पर हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डॉक्टर बंसीलाल महतो जी और